नमस्कार। सियासी हलचल में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की। मध्य प्रदेश की चर्चित छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर करारी शिकस्त मिलने के बाद समीक्षा करने छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निजी होटल में कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे विदा किया और मैं विदाई स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक बार फिर से हम कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे। छिंदवाड़ा से मेरा अंतिम सांस तक रिश्ता रहेगा। हम फिर से कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जो भी परिणाम है, जनता का जो फैसला है, मैं स्वीकार करता हूं। इसमें पूरी हम समीक्षा करेंगे कि केवल एक सीट की बात नहीं है, कितनी लंबी हार हुई है ये भी एक सोचने की बात है। पर देश में हमारा गठबंधन क्या अच्छा परिणाम आए, जो मोदी जी कहते थे 300 पार 400 पार, तो 240 पार पाए और हमारे गठबंधन की अच्छी सीटें आई हैं। अब ये अगली आने वाले समय की राजनीति को एक नया मोड़ देगी। अभी तो ये गठबंधन है, गठबंधन से कोई हटता है तब। सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।